नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र विश्राम चैनल में। होली के दिन अपने घर ले आना ये एक चीज अगले 7 जन्मों तक इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, होलिका दहन का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन संध्या काल में एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है और उस अग्नि की पूजा की जाती है। होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। होली की अग्नि में अपने मन की सभी तरह की जो भी विकार हैं या बुराई हैं उन्हें भस्म कर देते हैं और दूसरे दिन रंग खेलकर नए पर्व की शुरुआत करते हैं, नए वर्ष की शुरुआत करते हैं और खुशी मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार होली के पश्चात सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। होली से पहले 8 दिन को होलाष्टक कहा जाता है। इस दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक शुभ कार्य नहीं किए जाते, जैसे मुंडन, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश आदि प्रकार के कार्य नहीं किए जाते। विभिन्न पुराणों में होलिका दहन से जुड़ी प्राचीन कथा का वर्णन किया गया है। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक राक्षस अपने पुत्र प्रह्लाद से द्वेष करता था, क्योंकि भक्त प्रह्लाद भगवान विष्णु जी के भक्ति करते थे। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद के प्राण लेने का प्रयास कई बार किया था, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने भक्त प्रह्लाद की रक्षा की थी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रह्लाद को मारने का कार्य सौंप दिया। होलिका को ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकती, इसलिए होलिका प्रह्लाद का अंत करने के लिए उसे लेकर एक भयंकर अग्नि में बैठ गई। अग्नि ने प्रह्लाद का बाल भी बांका नहीं किया, लेकिन होलिका खुद उस अग्नि में भस्म हो गई। तभी से इस पर्व की शुरुआत हुई और सभी मनुष्य होलिका दहन करते हैं और अपने अंदर की बुराई को उस अग्नि में भस्म करते हैं। होलिका दहन का पर्व आध्यात्मिक और तांत्रिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कई तंत्र मंत्र से संबंधित उपाय भी किए जाते हैं। इसके आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए शास्त्र में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जो इस दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए, अन्यथा इसका जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धन की हानि हो सकती है, मानसिक पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है, परिवार में कलह का माहौल निर्माण हो सकता है। इसलिए इस दिन प्रत्येक मनुष्य को सावधान होकर ही कार्य करने हो सकते हैं। इसलिए इस दिन प्रत्येक मनुष्य को बड़ी सावधानी से करना चाहिए, चाहे कोई भी कार्य हो। अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है, आर्थिक स्थिति खराब है, धन का नाश हो रहा है, गरीबी से दुखी हैं, निर्धनता पीछा नहीं छोड़ रही, रिश्ते टूटने लगे हैं, तो आप इस दिन कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपाय आप होलिका दहन के समय पर कर सकते हैं। बस होलिका की अग्नि में कुछ चीजें डालकर मंत्रों का उच्चारण करने मंत्र से संकटों से मुक्ति मिलती है। होलिका दहन हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को भद्रा से रहित प्रदोष काल में होता है। आइए अब जानते हैं होलिका दहन के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात, इस दिन गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि होलिका दहन की रात्रि में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ सकता है। इसलिए इस दिन गर्भवती महिलाओं को होली की अग्नि के समय भूलकर भी ना जाएं। दूसरी बात, सभी को ध्यान में रखनी है, इस दिन आप किसी भी सुनसान जगह पर ना जाएं, क्योंकि इस दिन सुनसान जगहों पर तांत्रिक क्रियाएं की जाती है और अगर गलती से भी आपका पैर इन अशुभ वस्तुओं पर पड़ता है तो आपको जीवन भर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही इस दिन बुरी शक्तियां भी अपनी चरम सीमा पर होती है। अगर आप ऐसा किसी शक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको मानसिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो सारी बातों का ध्यान में रखें। इस दिन स्त्री पुरुष को एक दूसरे से अलग बिस्तर पर सोना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन संबंध बनाने से पति पत्नी के रिश्ते में तनाव निर्माण होता है और दोनों का रिश्ता टूट सकता है। अगर किसी स्त्री को एक ही संतान है, अर्थात एक ही पुत्र है माता को, तो होलिका की अग्नि में नहीं जाना चाहिए, वहां पर पास में नहीं जाना चाहिए। पूजा पाठ कर सकती हैं, लेकिन नहीं जाना चाहिए, इससे उनके पुत्र के जीवन पर संकट आ सकता है। होलिका दहन की रात्र को महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखना चाहिए। इस दिन आप खुले रखकर बाल बाहर नहीं निकलना चाहिए और होली के समीप भी नहीं जाना चाहिए, इससे पति के जीवन पर संकट आते हैं। स्त्रियों को इस दिन अपने बाल बांधकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए, इसके समीप यानी कि नज़दीक भी नहीं आना चाहिए। होली की अग्नि
से ये बालों को नुकसान हो सकता है। होलिका दहन के दिन किसी भी पुरुष को स्त्रियों को अपमान नहीं करना चाहिए, दूसरे यानी किसी को भी न करें। इससे होलिका माता नाराज होती हैं। इस दिन स्त्रियों के साथ हिंसा करने वाले मनुष्य को नरक की योनि प्राप्त होती है। इस दिन किसी भी स्त्री पर जोर जबरदस्ती ना करें और स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार भी नहीं करने चाहिए। होलिका दहन के दिन मनुष्य को जैसे का यानी कि पैसे का लेन देन भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन उधार देने से और लेने से बचें, यानी कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पैसा इस दिन यानी देने का मतलब धन का नाश होता है। तो आइए अब जानते हैं होलिका दहन के दिन कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। खास बात, इस दिन विशेष मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। होली की परिक्रमा करते वक्त आप इन शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। होलिका दहन के दिन आप होली की परिक्रमा जरूर करें और परिक्रमा करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः। यह अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप होली की परिक्रमा करें और अपने पापों को होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे आपका मन पवित्र हो जाएगा और भगवान नरसिंह देव की कृपा आपके सभी पाप नष्ट कर देंगे। अगर आपके द्वारा कोई गलत कार्य हुए हैं तो उसके लिए आप भगवान से क्षमा मांगते हुए होलिका की परिक्रमा करें, भगवान क्षमा कर देंगे। दूसरा उपाय, घर में शांति बनाए रखने के लिए एक मिट्टी के बर्तन में 11 लाल मिर्च के दाने रखकर उसे होलिका की प्रज्वलित अग्नि में रख दें और हाथ जोड़कर यानी कि घर में शांति की कामना करें। इससे आपके घर में अंदर की संपूर्ण नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती है और सुख शांति बनी रहती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन आप एक चुटकी सिंदूर बिना किसी को बताए चुपके से होली की जलती हुई अग्नि में डाल दें तो इससे भी सुख शांति बनी रहती है। होलिका दहन की अग्नि में चुपके से आप लाल मिर्च, चोकरा, राई के दाने, सरसों के दाने और थोड़े से आप यानी कि चुटकी भर नमक ले लें। पूरे घर से 3 बार उल्टे बार के आप ले जाकर होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इससे घर की बुरी शक्तियां दूर होती है। आइए अब जान लेते हैं कौन सी चीज़ आपको ले आना है होली के दिन, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और माता होलिका और माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी। दोस्तों, होली के दिन अगर आप एक मुट्ठी धनिया, ज़्यादा नहीं तो 10-20 रुपये की मुट्ठी यानी धनिया लेकर आएँ। इससे आपके घर में सुख शांति और धन वैभव और धन तेजी से खींचे चलाएगा। तो धनिया लेकर आएँ, माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अगर कमल गट्टे का बीज अगर मिल जाता है या फिर माला, तो इसे आप लेकर आएँ होली के दिन और माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, हमेशा ही आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। होली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की चित्र या फिर मूर्ति लेकर आएँ और इसे पूजा स्थान पर स्थापित करें। इससे आपके घर में धन का रास्ता सदैव रहेगा और धन के स्रोत सदैव बने रहेंगे आपके घर में। होली के दिन केले की जड़ को अपने घर लेकर जरूर आएं। अगर इस जड़ को अपने घर लेकर आते हैं तो आपके साथ पीढ़ी तक रुपए पैसों में करेगी राज। दोस्तों, इसे एक पीले कपड़े में यानी कि लपेटकर केले की जड़ को रख दें होली के दिन अपने धन पेटी पे, तो इससे लाभ होगा। होली के दिन भगवान नरसिंह देव की प्रतिमा या फिर उनकी फोटो जरूर लेकर आएँ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आप फोटो लेकर आएँ, इससे आपके घर में धन सदैव टिकेगा। होली के दिन शंख लेकर आएँ। होली के दिन अगर आप शंख नहीं लेकर आते तो कौड़ी लेकर आएँ और कौड़ी के साथ साथ गोमती चक्र भी लेकर आएँ। इससे भी माँ लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। होली के दिन कछुआ लेकर आएँ। अगर कछुआ लेकर आते हैं तो आपके घर में धन सुख समृद्धि तेजी से बरसेगा। तो फिर दोस्तों, इनमें से कोई भी एक चीज़ लेकर जरूर आएँ होली के दिन, इससे माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी, होलिका माता की कृपा बरसेगी, पूरे साल धन आपके घर में टिकेगा और रहेगा भी। तो दोस्तों, अगर आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय होलिका माता, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना।